अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आज के वीडियो आपके लिए है। आज मैं यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जिसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। यहाँ पे देखिए, कुछ सवाल जो आप पूछे हैं वो हम आपका यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। देखिए, प्रश्न आपका कौन कौन सा पूछा गया है। क्या बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी? उसके बाद अगला पूछा गया आपके द्वारा सवाल, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएगा? प्रश्न पत्र के कितने सेट होंगे, मतलब आपके अगल बगल में जो बैठेंगे, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पीछे जो स्टूडेंट रहेंगे, आपके आगे जो स्टूडेंट रहेंगे, अगल में रहेंगे, बगल में रहेंगे, उस सब का प्रश्न पत्र जो रहेगा एक समान नहीं होगा। सभी का प्रश्न जो है अलग अलग आएंगे, तो वो कितने प्रकार के सेट रहेंगे, तो ये भी आपको जवाब यहाँ पर मिल जाएगा आज। और कुछ और भी सवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल लिया गया है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए जानना काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। क्या एग्ज़ाम कड़ी निगरानी के साथ ली जाएगी? क्या एग्ज़ाम कड़ी निगरानी के साथ ली जाएगी, मतलब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइट होगा या फिर थोड़ा सा मतलब छूट वगैरह मिलेगा? तो ये भी एक सवाल था आपका। उसके बाद पांचवा सवाल है, कौन सा गेस्ट पेपर से ज़्यादा प्रश्न आएंगे? आप लोग ये भी कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे थे कि गेस्ट पेपर कौन सा पढ़े, किस गेस्ट पेपर से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो इसका भी जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में देने वाले हैं। फिर देखिए, आपका एक सवाल और था, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें? अभी जो है स्कूल कॉलेज आप नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप अभी जो है जाना भी नहीं चाहते हैं, आगे कोरोना वायरस और भी बहुत सारा रीज़न के वजह से नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें, आपके लिए ये भी एक सवाल था, जिसका हम आपको प्रॉपर अच्छे से जवाब देने वाले हैं। फिर यहाँ पे सातवां जो आपका सवाल आता है, बिहार बोर्ड परीक्षा का सिलेबस कब तक कम होगा, या फिर कम जो हुआ है तो वो सारा चीज़ क्या क्या है वो सिलेबस, तो ये भी आपको अच्छे से बताएंगे। और आठवां जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया वो ये है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा कब होगी, आखिर एग्ज़ाम जो है कब होगी, बहुत जगह डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है, तो क्या वो सही न्यूज़ है या फिर गलत है, तो ये भी आपको अच्छे से आज यहाँ पे क्लियर कर देंगे। फिर यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे आपका सवाल जो लिया गया है वो क्या है, क्या इस बार एग्ज़ाम हॉल में छात्र जूते पहनकर जा सकेंगे? क्या इस बार एग्ज़ाम हॉल में छात्र जूते पहनकर जा सकेंगे? तो ये भी आपका एक सवाल था, जैसे कि आपको पता होगा कि जूते पहनकर एग्ज़ाम नहीं जाने दिया जाता था पहले, अभी यहाँ पे उसके बारे में कुछ अपडेट है तो वो भी हम देख लेंगे। और 10 नंबर में आपका द्वारा पूछा गया सवाल है क्या है, क्या इस बार सभी सालों से अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, मतलब मार्क्स जो मिलेगा वो कैसा रहेगा, सब बार से अच्छा मार्क्स मिलेगा, परसेंटेज अच्छा मिलेगा या फिर ख़राब मिलेगा, तो ये भी एक सवाल है, इसको भी हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सारे सवाल जो 10 सवाल है, टॉप 10 सवाल, ये हम आपको अच्छे से जवाब देने वाले हैं सभी क्वेश्चंस की। अगर आपके पास भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको ये सारे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल चलिए यहाँ पे 10 सवाल आपके द्वारा पूछा गया है, इसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। डाउटनेट पर होगा अब आपकी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जीमेंस और एडवांस लेवल तक, आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं क्या आती है, क्या बिहार बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन होगी? मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा था कि क्या बोर्ड एग्जाम जो होगा बिहार बोर्ड का वो ऑनलाइन होगा या फिर सेंटर पे एग्ज़ाम जाके देना होगा। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, वो यहाँ पे जवाब क्लियर लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तब बिहार बोर्ड का वेबसाइट डाउन हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, हर बार जब रिजल्ट आती है उस समय वेबसाइट डाउन हो जाती है, स्टूडेंट जो है अपना रिजल्ट टाइम पर नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में परीक्षा तो बिल्कुल ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। तो ये आप क्लियर रखो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगी, एग्ज़ाम जो होगा जैसे हर बार होता है उसी प्रकार से एग्ज़ाम आपको कहीं भी सेंटर दिया जाएगा, केंद्र दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा, तो हर बार की तरह ही एग्ज़ाम होने वाली है, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी। फिर अगला सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया वो ये है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएगा? देखो, मॉडल पेपर जो होता है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है बोर्ड परीक्षा में भी मैच करता है, और ख़ास करके इससे ये पता चलता है एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मॉडल पेपर से ये अच्छा खासा पता चल जाता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना। अभी देखो यहाँ पे इसका डेट कब है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर अक्टूबर के महीने में जारी कर दी जाएगी। देखिए, अक्टूबर में हर बार आती है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये जो है मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगी, वो ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर में ही आ जाएगी। अभी तक इसका फिक्स डेट का पता नहीं चल पाया है, जब भी आएगा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और प्रॉपर आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सारा चीज़ मिलते चलेगी।
अब अगला जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया वो ये है कि प्रश्न पत्र के कितने सेट होंगे, मतलब प्रश्न पत्र जो होंगे आपके एग्जाम में जो मिलेंगे, क्या अगल बगल में जो स्टूडेंट रहेंगे दाएं में आपके बाएं में या फिर पीछे आगे जो स्टूडेंट बैठे रहेंगे क्या सभी का प्रश्न सेम ही होगा? तो जी बिल्कुल सभी में प्रश्न सेम होगा, लेकिन जो नंबरिंग जो होता है वो डिफरेंस रहता है। 10 सेट में जो टोटल प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे ए बी सी डी से लेकर जे तक जो है टोटल 10 सेट बनाए जाएंगे, जिसमें सभी स्टूडेंट को अलग अलग सेट दिए जाएंगे, जिससे जो है चोरी जो होता है उसमें वो जो है उसमें कमी आ पाए। तो इसके लिए ये चीज़ किया जाता है। हालांकि क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे रहता है, सभी सेट में क्वेश्चंस सेम ही रहता है। तो ये यहाँ पे ये डाउट भी था आपका, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके द्वारा जो अगला डाउट पूछा गया, वो जो सवाल पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। वो सवाल ये है कि क्या एग्ज़ाम कड़ी निगरानी के साथ ली जाएगी, मतलब एग्ज़ाम टाइट होगा, मतलब ज़्यादा कड़ी निगरानी के साथ लिया जाएगा या फिर थोड़ा बहुत छूट मिलेगा? तो इसका भी जवाब जान लेते हैं। जी नहीं, एग्ज़ाम जो है काफ़ी कड़ी निगरानी के साथ तो नहीं लिया जाएगा। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड परीक्षा में कड़ी निगरानी नहीं हो पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम नकल और चोरी कर सकेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए एग्ज़ाम उतना बहुत जो है टाइट नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत छूट मिलेगा, लेकिन हाँ इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छा करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा सारा चीज़। तो मेनली बस वहीं पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। अब अगला जो आपका डाउट है, जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया उसका भी जवाब देखते हैं। अगला सवाल आपके द्वारा पूछा गया है, कौन सा गेस्ट पेपर से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, मतलब कौन सा गेस्ट पेपर पढ़े जिससे बोर्ड एग्जाम में खास करके ज़्यादा प्रश्न उससे पूछे जाएँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर जाए। तो देखिए इसके बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो भी गेस्ट पेपर है वो अपने हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन गेस करके देते हैं। गेस पेपर में हमेशा क्वेश्चंस को गेस ही किया जाता है, जिसका प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाएंगे ये गारंटी नहीं होती है। मतलब देखो वो हमेशा गेस होता है, गेस गारंटी नहीं होता है कि सेम टू सेम वही प्रश्न आ जाएंगे। फिर भी अभी जो है मार्केट में जो ब्रिलियंट टारगेट ये सब एक अच्छा गेस पेपर है, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। अब अगला जो यहाँ पे सवाल आ जाती है आपके द्वारा जो पूछा गया वो ये है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें ऐसे स्थिति में जब आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सके अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, वो भी प्रॉपर अच्छे से चैप्टर वाइज। तो देखिए इसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप एजुकेशन बाबा ऐप से पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th, यहाँ पे क्लास 12th के लिए स्पेशली ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है। साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स हैं जो कि आपको अलग अलग सारा चीज़ पढ़ाएंगे, सारा चीज़ चैप्टर वाइज रहेंगे, नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट होता है हर एक चीज़ का, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ क्लियर होगा, ग्रामर वगैरह हिंदी व्याकरण सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से बस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा। अब अगला जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया उस वो ये है कि बिहार बोर्ड परीक्षा का सिलेबस कब तक कम होगा, सिलेबस जो रहेगा वो कब तक कम किया जाएगा। देखो अभी तक सिलेबस कम नहीं हुआ है, और यहाँ पे इसका जवाब यही आता है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में जो होगा उसका सिलेबस सितंबर में ज़रूर कम हो जाएगा। देखो अब सितंबर में बोलना उचित नहीं रह जाता है, क्योंकि मे भी हो सकता है ये अक्टूबर में भी चला जाए, अक्टूबर में भी कम किया जाए, लेकिन हाँ ये तो बात ज़रूर है कि अभी तक बिहार बोर्ड को कर देना चाहिए, क्योंकि CBSE UP और भी बहुत सारे बोर्ड ने बहुत ही पहले ही सिलेबस कम कर दिया है, ताकि स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब अगर वही एग्ज़ाम टाइम में जाके जब एग्ज़ाम अगर एक दो मंथ बचता है तब जाके सिलेबस कम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को अगर तैयारी करना रहेगा तो वो उतना टाइम में कर लेगा। तो मतलब उस टाइम में जाके सिलेबस कम करना कोई ऐसा मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है कि अगर लेट से सिलेबस कम होता है तो क्या मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा या फिर नहीं होगा? जो भी होगा आप नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। और इस बात की जानकारी SCERT के निदेशक गिरिवाल दयाल के द्वारा दिया गया, ये चीज़ जो दिया गया था SCERT जो थे तो उससे ये चीज़ निदेशक जो थे गिरिवाल दयाल उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिला है। फिर आगे देखिए 8 नंबर सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया है वो ये है कि क्या बिहार बोर्ड का परीक्षा कब होगी, बिहार बोर्ड की परीक्षा जो होगी वो कब होगी, क्लास 10th और क्लास 12th की परीक्षा कब होगी? तो बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी के महीने में शुरू होने की संभावना है, लेकिन जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक कुछ कह पाना काफ़ी मुश्किल है, तो ऐसे में आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। देखिए अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ कुछ भी नहीं आई है, जो भी यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रहा है, जो भी बताया जा रहा है कि 3 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, 6 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, मैं बिल्कुल यही चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल गलत न्यूज़ है। हर एक जगह वेबसाइट पे, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे भी आप वो चीज़ देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कोरोना वायरस के लेके, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में डेट में अंतर आ सकती है, और ये चीज़ है कि थोड़ा बहुत नहीं भी आ सकती, इसका भी चांसेस है, क्योंकि बिहार बोर्ड हर एक चीज़ अभी अपने टाइम से कर रहा है, बस सिलेबस कम करने को छोड़ के।
बाकी सारा चीज़ टाइम से कर रहा है, तो सिलेबस में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ऑफिशियल न्यूज़ जब भी आती है बिहार बोर्ड परीक्षा को लेकर तो हम आपको इस चैनल पर बता देंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही लिए होंगे। चलिए अब अगला जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। आपके द्वारा अगला सवाल पूछा गया है, क्या इस बार एग्जाम हॉल में छात्र जूते पहनकर जा सकेंगे? तो ये भी सवाल कुछ स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 2018 से ही यह नियम बनाए हुए हैं कि कोई भी छात्र छात्रा बोर्ड परीक्षा हॉल में जूता पहनकर नहीं जा सकेंगे, जूता और मोजा की जगह चप्पल पहनकर आना होगा। देखो ये 2018 से ही नियम बना हुआ है, लेकिन आपको 2021 के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ जो है फॉलो करना होगा। 2021 के एग्ज़ाम में भी आप लोग जूता पहनकर नहीं जा सकते हैं, जूता की जगह आप लोग को चप्पल पहन के जाना होगा। तो ये भी एक चेंजेस किया गया था 2018 में, ताकि जो है छात्र वगैरह छात्र छात्रा क्या होता था जूता में चीट वगैरह लेके चले जाते थे, जिस वजह से यह कदम उठाना पड़ा। अब अगला जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया वो ये है कि क्या इस बार सभी सालों की अपेक्षा मार्क्स अच्छा आएगा? मतलब अभी तक जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं पहले पिछले साल, तो उनसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, ज़्यादा स्टूडेंट पास होंगे क्या? कुछ ऐसा जो अपडेट है हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जी हाँ, बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में स्टूडेंट को सभी सालों की अपेक्षा अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए कि अब तक स्टेप मार्किंग का रूल लागू हो गया, अब जो है स्टेप मार्किंग का रूल लागू हो चुका है और ये पिछले साल से ही लागू है, जिसमें अगर विद्यार्थी कोई भी प्रश्न को अगर आधा भी बनाते हैं तो उन्हें आधा प्रश्न का मार्क्स जो रहेगा वो मिल जाएगा। और इसके पीछे और कई सारे वजह हैं, तो अच्छा मार्क्स तो इस बार पक्का आएगा। और ये चीज़ है, क्लियर है कि ज़्यादा स्टूडेंट इस बार पास होंगे, और पिछले बार भी काफ़ी अच्छा स्टूडेंट पास हुए थे, अच्छा मार्क्स भी आया था, इस साल भी कुछ उससे ही अच्छा होने वाला है। और रिजल्ट की बात करें तो वो सब टाइम पे आ जाएगा। और देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लीजिए। जितना भी सवाल था आपके द्वारा पूछा गया था वो सारे सवाल के जवाब हम यहाँ पे देने की कोशिश किए हैं। और आपके द्वारा अगर कोई भी सवाल और बाकी रह गया है जो आप पूछे हैं, तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आप जो है क्लियर यहाँ पे सवाल पूछ लीजिए नीचे कमेंट करके कि आपको कौन सा सवाल आपको जानना है, नीचे कौन सवाल आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिल जाएगा अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए तो जाके कर लीजिए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए एजुकेशन बाबा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर मिल जाएगा, फिर वहाँ से क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।